सुदूर पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड से लेकर बंगाल, उड़ीसा तक में कोई सैलून की दुकान, छोटे मोटे भोजनालय और किराने की दुकान हो या संयुक्त परिवार वाला कोई घर, आपको टीवी पर साउथ की हिट और फ्लॉप फिल्में स्क्रीन पर गर्दा उड़ाती मिल जाएंगी। साउथ की फुल स्पीड में चलती कहानियाँ, हिंसा, कॉमेडी और इमोशन से भरी फिल्मों को लोग एकटक देखते मिल जाएंगे। उत्तर भारत में टीवी चैनलों और यूट्यूब पर मुफ्त में मिल रही फिल्मों का ऐसा चस्का लगा है कि अब उन्हें साउथ की फिल्में थिएटर में भी रही हैं। अब उत्तर भारत का दर्शक मोटी रकम खर्च करके भी दक्षिण की डब मूवी को हिंदी के बड़ी फिल्मों पर भी तरजीह देने लगा है। दक्षिण की फिल्मों को लोकप्रियता की गवाही दे रहा है तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पाराज। पुष्पाराज की हिंदी बिल्ड में जबरदस्त सफलता। ऐसी बातें सुनने में आई हैं कि उत्तर भारत में कई मल्टीप्लेक्सों में बॉलीवुड के बड़े बजट में मूवी 83 को उतार कर फिर से पुष्पाराज को लगा दिया गया। सवाल यह है कि साउथ की फिल्मों में ऐसा क्या है कि वो हिंदी भाषियों को भी इतनी पसंद आ रही है, जबकि साउथ की भाषा, संस्कृति, पहनावा आदि उत्तर से काफी कुछ अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी भाषी लोगों को साउथ सिनेमा की मास एंटरटेनिंग मूवी ही नहीं पसंद आ रही, बल्कि क्लासिक फिल्में भी उत्तर भारतीय लोग चाव से देख रहे हैं। सैटेलाइट टीवी चैनलों ने अपने यहाँ फिल्मों की संख्या बढ़ाने के लिए साउथ की डब फिल्मों को शामिल किया, जिन्हें प्रसारित करने का राइट उन्हें मामूली रकम में हासिल होता गया। इसी तरह यूट्यूब पर साउथ की हिंदी में डब फिल्में लगातार मुफ्त में उपलब्ध थी। भरपूर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा के चलते ये फिल्में लोगों को अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे साउथ की फिल्मों का लोगों को चस्का लग गया। अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम तो साउथ के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी। जब रिलीज हुई थी तो थिएटर में दर्शकों को वो पसंद नहीं आई। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, पर वही सूर्यवंशम 20 साल बाद सैटेलाइट टीवी के इतिहास में सर्वाधिक व्यू देने वाली फिल्म बन गई। कारण कि सीधी साधी परिवार की कहानी, बाप बेटे में अलगाव फिर प्यार, अमीर गरीब, अनपढ़ पढ़ी लिखी लड़की से प्यार आदि चीजें ऐसी थीं जो बॉलीवुड सिनेमा में खत्म हो रही थीं। दर्शकों ने सूर्यवंशम को रिकॉर्ड तोड़ देखा। हिंदी की हिट फिल्मों सिम्बा, बाजीराव सिंघम, कबीर सिंह आदि फिल्मों के असली वर्जन को जब उन्होंने साउथ की डब हिंदी फिल्मों के रूप में देख देख कर साउथ की फिल्मों के लोग मुरीद होते गए। हिंदी फिल्मों के मुकाबले साउथ की फिल्मों का सब्जेक्ट उत्तर भारत के लोगों को पसंद आ रहा है। साउथ की फिल्में अभी भी एक्शन, इमोशन और मेलोड्रामा पर आधारित हैं। हीरो की कहानी गांव से शुरू होती है, फिर हैदराबाद या चेन्नई पहुंचती है, थोड़े समय के लिए यूरोप, यूएसए या साउथ एशिया के किसी देश में चली जाती है। मतलब साफ है कि गांव भी चाहिए और शहर भी, आधुनिकता के साथ साथ परंपरा भी चाहिए। इसके ठीक उल्टा मुंबईया फिल्में आधुनिक हो गई हैं और देश की आत्मा गाँव उनमें खत्म हो चुका है। उत्तर भारत का भी हर दर्शक कहीं ना कहीं गाँव से आज भी जुड़ा हुआ है। 90% लोगों का जड़ तो गांव से ही जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं से ये भाषाई सामाजिक लेवल का भी मामला बनता है। भारत में यूपी और बिहार को ही ले लीजिए, यहाँ पर भोजपुरी फिल्मों का अलग एक क्लास है। भोजपुरी अभी भी यहाँ दोयम दर्जे की भाषा है। अभी हाल ही में एक स्कूल की पिक वायरल हुई थी जिसमें लिखा था कि भोजपुरी बोलने वालों को स्कूल में प्रवेश वर्जित है। गोरखपुर और बनारस में आज भी कोई परिवार भोजपुरी फिल्में नहीं देखने जाता है। मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी फिल्में लगती भी नहीं है, इसलिए भोजपुरी फिल्मों की पटकथा भी अलग रहती है। ऐसा तेलुगु या तमिल में नहीं है। यहाँ की फिल्मों में भाषाई अलगाव नहीं है, सबके लिए एक सिनेमा बन रहा है। दक्षिण फिल्म उद्योग को दिया साउथ की फिल्मों के मजबूत स्क्रिप्ट को इसी से समझ सकते हैं कि बॉलीवुड का हर बड़ा एक्टर साउथ की रीमेक बनाने को हर समय तैयार रहता है। पिछले साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी कबीर सिंह साउथ अर्जुन रेड्डी का रीमेक ही थी। हिंदी में करीब एक दर्जन साउथ की मूवी के रीमेक पर बड़े सितारे काम कर रहे हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, हर काल और समय में स्टारडम का बोलबाल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार को दर्शकों के बीच भगवान का रुतबा मिलता है। प्रशासक इनके नाम से टिकट खरीदते हैं और अपने हीरो की फिल्मों के लिए माहौल बनाते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे दौर से गुजर रही है जब इसका कोई अपना सुपर स्टार अब नहीं है। शाहरुख और सलमान और आमिर खान की एक और फ्लॉप फिल्म इंडस्ट्री से इनका रुतबा खत्म कर देगी। एक समय होता था कि इन स्टारों की बकवास फिल्में भी टिकट खिड़की पर भीड़ खींचती थी।
पर अब दबंग खान की फिल्में भी बॉक्स पर पानी नहीं मांग रही हैं। तीनों खान के बाद कई कलाकार हैं जो अच्छी फिल्मों को हिट कर सकते हैं, पर औसत दर्जे की फिल्में हिट कराने की कुव्वत रखने वाले कलाकार का मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री कई साल से इंतजार कर रही है। इसके ठीक उल्टा साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में स्टार पावर सर चढ़कर बोल रहा है। हर कलाकार की अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। हिंदी भाषी फिल्मों के बेस मार्केट मुंबई है। आंकड़े बताते हैं कि करीब 22% कमाई का हिस्सा केवल मुंबई से आता है। इसी कारण हिंदी भाषी फिल्मों की कहानियाँ और स्क्रिप्ट ऐसी होती हैं जो मुंबई में रहने वालों को पसंद आए। हिंदी बेल्ट से सिंगल स्क्रीन थिएटरों की संख्या कम होती जा रही है और जो भी है वहाँ भोजपुरी या रीजनल फिल्में चलती हैं। इसी कारण मल्टीप्लेक्स के दर्शकों के मूड को ध्यान में रखा जा रहा है। हालांकि यही मुंबईया फिल्मों के प्रोड्यूसर कन्फ्यूज हो जा रहे हैं और आत्मवाहिनी फिल्में बना रहे हैं। आज बॉलीवुड के हर बड़े प्रोड्यूसर और एक्टर को सफलता का सबसे आसान रास्ता रीमेक लग रहा है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट और कहानियां का अकाल पड़ गया है लगता है, यह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। साउथ की फिल्मों को रीमेक बनाने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स में होड़ लगी हुई है। स्क्रिप्ट से बुरा हाल है म्यूजिक का। कभी हिंदी फिल्मों की पहचान होता था उसका संगीत, मधुर गाने कई साल तक लोगों की जुबान पर होते थे। अब तो कई सालों में कोई एक गाने ऐसे आते हैं जो जुबान पर चढ़ रहे हैं। अच्छे गीतों से सजी फिल्में कमजोर होते हुए भी हिट हो जाती थी। अभी कुछ साल पहले आई आशिकी 2 कम पॉपुलर सितारों और कमजोर स्क्रिप्ट के बावजूद अगर सुपरहिट रही तो इसका कारण उसके कर्णप्रिय गाने रहे। शादियों के माहौल में बॉलीवुड संगीत और डांस लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। रिमिक्स के चलते और पुराने गानों के नए वर्जन के चलते पंजाबी, हरियाणवी और भोजपुरी गाने लोगों को लट्टू बना रहे हैं। डांस क्लासेस से हिंदी फिल्मी गानों की सूच की जगह पंजाबी पॉप ने ले ली है। अगर दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लो लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।